नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एंड्रॉयड मोबाइल या कीपैड मोबाइल में स्पीकर माइक रिंगर कहाँ पे होते हैं और उनकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आती है और उनको कैसे सही कर सकते हैं, उनको टेस्टिंग कैसे करते हैं। तो एंड्रॉयड मोबाइल या कीपैड मोबाइल, तो जब हम बात करते हैं तो हमारे फ़ोन में सबसे पहले कोई चीज़ कॉल आती है तो रिंग बजती है, तो उसके लिए यहाँ पे पीछे स्पीकर लगा रहता है, उसे हम बोलते हैं रिंगर, उसे बोलते हैं रिंगर। फिर इसके बाद हम ओके वाले बटन दबाते हैं, इसके बाद हम उसको ऐसे लगाते हैं, तो जब हम बोलते हैं तो इसको बोलते हैं माइक, और जिससे हम आवाज़ रिसीव करते हैं, सुनते हैं किसी की, तो उसे बोलते हैं हम स्पीकर या रिसीवर। तो तीन टाइप के यहाँ पे स्पीकर लगे होते हैं, यहाँ पे माइक, स्पीकर, रिंगर। इससे म्यूजिक, रिंग टोन वगैरह यहाँ से सुनते हैं, सीध यहाँ से करते हैं आवाज़ को जब कॉल के दौरान, और माइक बोलते हैं तो यहाँ से आवाज़ जाती है। अब तीनों की प्रॉब्लम किस तरह की आती है, अगर इस तरह की प्रॉब्लम होगी माइक की, तो उससे आपकी आवाज़ अदर किसी के पास नहीं जाएगी, आपके पास कॉल आएगी, ओके करोगे, बट आपकी आवाज़ नहीं जाएगी, ये माइक की प्रॉब्लम होती है। और इस टाइप से अगर आवाज़ कोई इंसान बोल रहा है और आप स्पीकर लाउड कर रहे हो तो पीछे से बज रहा है, रिंगटोन बज रही है, लेकिन ये स्पीकर नहीं काम कर रहा है, ये होगा रिसीवर। या किसी की कॉल आ रही है और आपके मोबाइल में रिंगटोन या वेल नहीं बज रही है, तो वो प्रॉब्लम होती है रिंगर की। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्या क्या चेक करेंगे, वो इस वीडियो में हम जानेंगे कीपैड और एंड्रॉयड मोबाइल के बारे में। तो हम चेक करना सीखेंगे कि स्पीकर, माइक, रिंगर की क्या टेस्टिंग होती है और किस प्रकार की ये दिखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कीपैड मोबाइल पे, तो अब जब बात करते हैं यहाँ पे इस जगह पे, तो यहाँ पे ये लगा है, इसको बोलते हैं रिसीवर, ये होगा रिसीवर। जब नीचे से बोलते हैं यहाँ पे होल होता है, ये एक दो, एक ब्लैक वायर है, एक रेड वायर है, ये दिख रहा है, इसको बोलते हैं माइक। और यहाँ पे लिखा भी रहता है MIC मतलब माइक, और यहाँ पे लिखा होता है REC मतलब रिसीवर। और इसको ओपन करते हैं, इसके बैक साइड एक ये स्पीकर लगा है, ये है रिंगर, इसको हम लोग रिंगर बोलते हैं यहाँ पे, ये लगा है ठीक। और यहाँ पे लिखा होता है SPK मतलब कि ये रिंगर है, रिसीवर यहाँ पे है और माइक हमारा यहाँ पे है। तो इसको चेक करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ती है, एक हमें मल्टीमीटर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो मल्टीमीटर को हम कहाँ पे सेट करेंगे, मल्टीमीटर घुमा के हम यहाँ पे कंटिन्यूटी रेंज पे चेक करेंगे, यहाँ पे कंटिन्यूटी रेंज पे सेट कर दिया। सेट करने के बाद पर रखेंगे मल्टीमीटर को, और ये दोनों प्रॉब्लम हम आपस में टच करके देख लेंगे, अगर बीप की आवाज़ आ रही है तो मल्टीमीटर हमारा सही है, बीप की आवाज़ आ रही तो मतलब हमारा मल्टीमीटर ये ओके कंडीशन पे है। तो अब हम चेक करेंगे इसका रिसीवर, यहाँ पे जो लगा होता है, अगर इसकी जो वैल्यू आती है चेक करने पे 25 से लेके 32 के बीच वैल्यू आएगी प्लस बीप की आवाज़ आएगी तो ये सही होता है, और नहीं तो ये खराब होता है और आपका स्पीकर चेंज करना पड़ेगा। तो इसको हम चेक करेंगे, तो कितनी वैल्यू आ रही है, 28 प्लस बीप की आवाज़, तो मतलब कि ये जो रिसीवर है वो आपका सही है। अब ये किसी भी मोबाइल की बात करें, एंड्रॉयड हो, कीपैड हो, या कहीं पर भी जो रिसीवर लगा है उसकी, या जो बॉक्स आते हैं उनको बोलते हैं वॉकी टॉकी, उनमें भी अगर प्रॉब्लम आती है तो जो रिसीवर होगा उसकी यही वैल्यू आएगी, 25 से लेके 32 के बीच वैल्यू आएगी तो ये ओके होता है, मतलब हमारा रिसीवर सही है। अब आता है माइक, माइक कैसे पता करेंगे सही है खराब है, तो इसको हम यहाँ पे चेक 20K पे इसको सेट करते हैं, 20K पे माइक को चेक करने के लिए, अगर वैल्यू 0.90 से लेके 1.5 तक अगर वैल्यू आती है तो फिर ये सही होता है। तो यहाँ पे आ रहा 1.9559, तो ये मतलब माइक हमारा सही है, क्या है माइक सही है, थोड़ी सी वैल्यू ज़्यादा आ रही है बस, और ये माइक हमारा सही है। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि माइक हमारा सही है। अब हम चेक कर सकते हैं रिंगर को, जो पीछे लगा होता है रिंगर, इसे कैसे चेक कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें फिर दोबारा कंटिन्यूटी रेंज पे मल्टीमीटर को सेट करना पड़ेगा। इसकी वैल्यू होती है 8 से लेके 12 प्लस बीप की आवाज़, रिसीवर की वैल्यू थी 25 से लेके 32 प्लस बीप की आवाज़,
तो यहाँ पे अभी मैं रेड वाली प्रॉप रेड पे लगाते हैं, रेड वायर पे, और ये है इसका पॉइंट। तो कितनी आ रही, 8 इसकी वैल्यू आ रही, प्लस बीप की आवाज आ रही है, तो ये इसका रिंगर जो है वो सही है, रिंगर भी सही है। इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। अब देखते हैं हम एंड्रॉइड पे, इसकी बॉडी ऑलरेडी पहले से ही क्रैक है। तो देखो इसका माइक कहाँ पे लगा है, ये लगा है। तो अब हम इस चिमटी का यूज़ करके यहाँ से इसको निकाल के देखेंगे, ये लगा है इसका माइक, और यहाँ पे ये होल रहता है जब हम बात करते हैं, हेलो करते हैं ऐसे, तो ये इसका माइक लगा है। तो इसको चेक कर सकते हैं। इसकी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, 20K पे सेट करते हैं मल्टीमीटर को, और ये अब हम माइक के पॉइंट पर चेक करेंगे। तो कितनी आ रही है, 1.549। कितनी आनी चाहिए, 0.90 से लेके 1.5 के समथिंग आनी चाहिए वैल्यू, तो मतलब इसका माइक ये सही है। तो इस तरीके से माइक चेक कर लेते हैं। अब आते हैं रिंगर, तो रिंगर का यहाँ पे लिखा है SPK, तो मतलब कि रिंगर हमारे इस बॉडी पे लगा हुआ है। तो इसको चेक करने के लिए भाई 8 से 12 की रेंज में इसकी वैल्यू आती है, प्लस बीप की आवाज़। तो यहाँ पे लगाया मैंने, पॉइंट पे चेक किया, तो इसको हम यहाँ पे लगाएंगे कंटिन्यूटी रेंज पे। सेवन आ रही वैल्यू, रिंगर हमारा सही है, 8 होनी चाहिए, लेकिन कुछ ना कुछ इसमें मिस्टेक है, कुछ वैल्यू ये आवाज कम करेगा। 7 वैल्यू आ रही, 8 से 12 के बीच में होता तो ओके है, ठीक है, 7 पे भी ओके है, ठीक। इस तरीके से चेक कर सकते हैं। अब इसका जो रिसीवर होता है वो यहाँ पे लगा होता है, सेम जैसे ये लगा होता आगे। तो इस तरीके से हम रिंगर, स्पीकर, माइक की टेस्टिंग कर सकते हैं और अपना मोबाइल सही कर सकते हैं।